Hi, this is Karishma Tanna. सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन YouTube चैनल नाउ यार मेरी बहुत पुरानी दोस्त है ये <laughs> पार्टी करते थे साथ में एक दूसरे के घर जाते थे साथ में फैमिली के साथ हैंगआउट करते थे oh और आज

आई नो बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एक तो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है थैंक यू हाँ आई लाइक इट जो वो आता है पार्टी में बड़ा क्वाइट है कूल है अपना होल्ड करता है वो है ना हाँ थैंक गॉड आई मीन कोई तो पुनिया की होंगे मेरे लाइफ में जहाँ मुझे ऐसा लाइफ uh, पार्टनर मिला है है ना yeah. पर क्या उसके आने के बाद तुम्हारा काम तुम्हारा जो मेंटल वाइब है वो सब बेटर हो चुका है सिर आई टेल यू मतलब आफ्टर मैरिज आफ्टर आई मेट हिम ना जो माई माइंड यूज टू बी एवरी वेयर माई यू नो मूड यूज टू बी एवरी वेयर वो एक सेंस ऑफ कामनेस वो स्टेबिलिटी आ गई है मेरी लाइफ में एंड आई फील दैट कि वो जो करिश्मा पहले थी बिफोर वरुण इज डिफरेंट फ्रॉम नाउ इन अ गुड वे एंड आम वेरी हैप्पी दैट इट्स गोइंग द वे इट शुड गो यू नो दैट स्टेबिलिटी कामनेस ठहराव आ गया है मेरे अंदर विच आम लाइकिंग आम लाइकिंग दिस न्यू करिश्मा एक्चुअली मैं बोलूँ खूबसूरत you know, <laughs> ये सब आई थिंकली yeah. समय भी जब हम लोग हैंग आउट करते थे एटीन ईयर्स बैक यू आर गेटिंग इन टू द बिजनेस बट एक चीज आपने लगाव अपनी माँ के साथ जो भी था पर जो मैं बाहर स्टेप आउट करता और कुछ इंडस्ट्री लोगों से बात करता था क्या यार बिछे यार <laughs> You know, ये लड़की यू नो ओवर स्मार्ट है हाँ। जैसे तुम थी नहीं ऐसे ये yes, I mean देखो हम एक ऐसे इंडस्ट्री में ना सिर्ट जहां हमको जज किया जाता है एवरी सेकंड मतलब अब सबके साथ तो आप हाँ हाउ वो यू वही हो सकता यू you नो know, तो एक ऊपर ऊपर से लोगों को जज करने का आ, चांस मिल जाता है कि हाँ ठीक है थोड़ी सी स्नूटी होगी थोड़ी सी एटीट्यूड होगा इसमें अब सबको तो आप एक्सप्लेन करने जा नहीं सकते हो वैन यू नो द पर्सन लाइक यू एंड मी नो यू नो मी इन एंड आउट यू नो दैट आई एम नॉट लाइक दैट और यू नो ये जो बाहर लोग ऐसे कभी कभी रूमर्स फैलाते हैं वो सच नहीं होता है बट एज एन एक्टर आप फिर थोड़े से स्टोन हार्ट भी बन जाते हो कि ठीक है चलो अभी सबको जज करना है तो करो आई नो वट आई एम समवेयर यू हैव टू थोड़ी ना कैसे हेलो हाई कैसे इतना you know, टाइम नहीं है हमारे पास ये स्कूप है I saw the trailer, मैंने तुमको किया, पे तुम्हारा सॉलिड एक्टिंग स्किल्स दिखेगा राइट right? बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक तुमने बहुत स्ट्रगल किया है सेड यू नो माई जर्नी आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स एटीन ईयर्स नाउ एंड यू नो मैं हमेशा सुनती थी लाइक दिस टी वी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना इज हॉट शी इज़ ग्लैमरस यू नो उसको यही रोल में हम लोग लेते हैं एंड आई एज टू कीप

एंड आई वॉन्ट टू नाउ गेट इन टू फिल्म्स सो जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी गई थी तो दैट्स वेन आई रियलाइज दर वाव फ्रॉम गोइंग फ्रॉम टी वी टू फिल्म इज़ अ मेजर स्ट्रगल मुझे नहीं पता था इतना यू नो लाइक बैक देन के इतना डिफिकल्ट होगा टू गेट इन टू फिल्म टी वी इंडस्ट्री से थी तो आई गॉट लॉड ऑफ नेगेटिव कॉमेंट्स आई गॉट नोज़ फ्रॉम एवरीबडी आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम एवरीबडी कोई बोलते थे बहुत लंबी है कोई बोलते थे नहीं नहीं टू मच वी सी नू ऑन टी वी एंड इफ यू सी ऑन टी वी देन वाई पीपल विल वॉन्ट टू सी यू इन बिग पर्दा इन ऑल दैट सो ऑल दीज थिंग्स यू टू हैपन सो आई स्ट्रगल अ लॉट एंड द काइंड ऑफ द कांड ऑफ फ्यूचर आई वॉन्टेड इन फिल्म डिंट हैपन सो आई फेस अ लॉट ऑफ डिजेक्शन आई वुड से बट देन आई स्टिल डिट बिकॉज माई मदर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट आई डिट स्टिल यू नो लूज होप आई विल स्टिल मेकिंग एफर्ट्स इन ऑल दैट एंडन ओ टी टी में मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला जो अमेजोन का uh, मैंने शो किया तनुजा चंद्रा के साथ और उसके बाद फाइनली जब यू नो आई वॉज लाइक मैं एकदम स्ट्रगल कर रही थी मैं सोच रही थी कि अब क्या अब क्या फिर मुकेश छाबरा जो हमारे कास्टिंग टीम है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो है आ, उनके आ, टीम से मुझे फ़ोन आया और मैंने ऑडिशन दिया इस शो के लिए और मैंने स्कैम देखा था स्कैम hmm. 92 टू ऑफ हंसल मेहता ब्लडी शो और मैंने उनको मैसेज किया हमने हंसल सर वॉट अ शो आई वुड लव टू वर्क विद यू और हंसल सर ने बहुत प्यार से लिखा कि श्योर यू नो लेट सी इन ऑल दैट तो बस एक आई थिंक छः महीने के अंदर मुझे मुकेश छाबरा की टीम से uh, मुझे फ़ोन आया और बोला कि आपको एक शो है ऑडिशन करना है और मैंने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं फॉर द टीम और मैं गई ऐसे ही विदाउट एक्सपेक्टेशन मतलब ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन होता है पर अंदर से ऐसे ही चलो जाती हूँ ऑडिशन दे देती हूँ और मैंने ऑडिशन दिया और आई थिंक uh, एक दो हफ्ते के बाद मुझे मुकेश छाबरा का फोन आता है कि आप uh, नहीं 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 आप नहीं नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए मतलब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए एंड शॉर्टलिस्ट ही पर अंदर से ऐसे ना ऐसे बटरफ्लाइज हो रहे थे कि शॉर्टलिस्ट आए ये भगवान प्लीज प्लीज मुझे दे दो एक तो गुजराती रोल है रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और हंसल मेहता है और नेटफ्लिक्स है टू टॉप इट अप एंड कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है हाँ हाँ हा, तो मैंने बोला मुझे ये करना ही करना है मतलब दिस विल शो माय टैलेंट माय एक्टिंग टैलेंट यू नो टू द वर्ल्ड और बस एक दो दिन में मुझे मुकेश छाबरा का फोन आता है कि कम टू द ऑफिस तो मैं जाती हूँ फटाफट फटाफट फट ऑफिस में ऐसे नर्वस और मुझे बोलता है कि यू आर डूइंग द शो तो मैं नम मैं को तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे ये मिल गया इतना बड़ा लाइक अ फीमेल प्रोटेगनिस्ट यू नो इट्स लाइक अ बिग थिंग तो मुझे ये शो मिला मैं uh, पूरी टीम को मिली पूरी स्टार कास्ट को मिली हंसल सर को मिली आई वाज सो नर्वस मुझे स्क्रिप्ट मिला हम लोग रीडिंग कर रहे थे एंड दैट्स हाउ द जर्नी जब संजू हुआ था तो तुम्हारे साथ राजकुमार हिरानी रणबीर कपूर मुझे लगा वो फिल्म के बाद तुम नेक्स्ट लेवल पे चले जाती काश ये होता पर क्या हुआ व्हाट वेंट रॉन्ग सच्चे दिल से पता नहीं सिड मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे आप बोल रहे हो कि संजू के बाद मुझे लगा भले एक छोटा सा रोल है कैमियो है गेस्ट अपियरेंस है पर आ, दिस फिल्म विल हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ यू नो पर इनफैक्ट uh, uh, हुआ नहीं ऐसा संजू के बाद uh, जो मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए संजू के बाद जो मैंने फिल्म्स एक्सपेक्ट की थी जो मुझे यू नो द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग मुझे वो मिली नहीं इनफैक्ट फॉर गुड सेवन एट मंथ्स और वन ईयर आई वुड से मैं 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 कुछ काम नहीं कर रही थी एंड आई वॉज़ लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिटिक्स ने मुझे इत, इत, इतना अच्छा लिखा मेरे बारे में भले मेरे चार सीन्स थे पर फिर भी वो पिंकी जो मेरा किरदार था उसको मैंशन किया है सारे क्रिटिक्स ने कि करिश्मा तनास पिंकी वॉज वेरी प्रामिसिंग ये वो तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थे फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट आई विल नाउ गेट वर्क एंड आई डोंट नो आई मीन सिट सम यू गेट इन टू द डार्क होल दैट वॉट डज़ लाइफ वॉन्ट वॉट इज वॉट डू आई डू मोर मैं और क्या करूँ जिससे मैं अपना एक्टिंग शो केस कर पाऊँ एंड uh, वो बहुत ही मैं डिप्रेस्ड फेज में चली गई थी जब मुझे लग रहा था कि भाई आई थिंक माई लाइफ इज़ जस्ट कलरलेस आई थॉट यू नो इट्स नॉट कलरफुल एट ऑल आई डोंट नो वॉट टू डू हाउ विथ माई करियर मैं लोगों को मैसेज कर रही थी कि हैव यू सीन संजू डिड यू लाइक माई एक्टिंग सो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड ना मैं ज़्यादा एक तो मम्मी अकेली है मेरे साथ तो मैं ज़्यादा मम्मी को बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो स्ट्रेस ले लेती बहुत सेंसिटिव है मेरी मॉम बहुत सिंपल है वो बहुत बेसिक है हाँ तो मैं सब कुछ उनको बता भी नहीं सकती हूँ और फ्रेंड्स समझेंगे नहीं क्योंकि मेरे कोई भी फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री के नहीं है तो नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स को बोल कर um, कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं अपने आप में थॉट्स यू नो और मैं ऐसी यू you नो know, एक बार एक थॉट में चली जाती हूँ फिर वो निगेटिव थाट्स एक के ऊपर एक लेयर होते जाते हैं सो टू गेट आउट ऑफ दैट डार्क नेगेटिव होल यू हैव टू लाइक लिटरली पुल यूर सेल्फ अप एंड आई थिंक आई सेल्फ मोटिवेटेड माई सेल्फ जब मैं एकदम uh, वो होल में चली जाती हूँ वो जोन में चली जाती हूँ मैं अपने आप को um, इतना मोटिवेट करती हूँ कि यू आई टॉक टू माई सेल्फ आई एम माई ओन हीलर आई एम माई ओन सेल्फ मोटिवेटर आई वु से तो उस वक्त मैंने कैसे अपने आप को उस फेज से निकाला है मुझे ही पता है एंड या दैट्स इट फिर धीरे 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 इंस्टाग्राम एड्स और ये सब करती गई एंड ऑल एंड देन इट मंथ्स के दौरान आप हेल्प किससे सीख कर रही थी खुद के साथ तो मैं समझ गया आप गई थेरेपी के लिए नहीं मैं थेरेपिस्ट को नहीं मिलती हूँ पर अभी तक तो मिली नहीं हूँ पर आई डोंट माइंड गोइंग फॉर अ थेरेपी but i have a very good uh, uh, um, I, how do i say a tarot uh, reader who does tarot reading at the same time gives all these uh, healing um, you know sessions so um, i used to talk to her and i used to like um, make myself feel good about it you need uh, you know in in, in in this industry i think everybody needs that little um, um, some person to just you know talk to you to to get you out of that zone

विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इसल मी फ्रॉम इनसाइड एंड देन माई मदर है वॉज ओल्ड इनाफ के एक्चुअली um, जब तुम पैदा हुई थी तब माई डैड वॉज नॉट हैप्पी माई डैड बिकॉज उनको एक लड़का चाहिए था क्योंकि फैमिली प्रेशर था कि लड़के होते हैं यू नो टिपिकल गुजराती फैमिलीज़ में लड़के होते हैं तो वो वंश को आगे बढ़ाएंगे वो कमाते हैं देसुपीरिय एंड uh, मेरी मॉम के पास दो लड़कियाँ थीं तो वो जो दबाव था फैमिली में ग्रैंड डैड एंड ग्रैंड मॉम यूज़ टू गिव अ सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट आम भैया दो दोनों भाई को चले जाएंगे गुटलिया मेरी और मेरी बहन को मिलेंगी यू नो दोस् काइंड ऑफ डिफरेंशिएट बिहेवियर होता था हमारे साथ एंड दैट मेड मी स्ट्रॉग याड लाइक यू नो वाट अगर ये ज़माने में लड़का लड़की का जो रेसिज़म uh, है सेक्सिज्म है आई डोंट लाइक दिस एंड दैट मेड मी सो स्ट्रांग मैं बड़ी होकर दिखाऊंगी सबको कि मैं जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है जो लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है एंड दैट गे मी सो मच स्ट्रेंथ विद इन सिर के मैंने बहुत ही कम उम्र में सोच लिया था और ठान लिया था कि मैं अपने मॉम डैड को वो सब कुछ दूँगी जो एक बेटा देता है एंड जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी ने एक हफ्ते तक मेरा चेहरा नहीं देखा था मेरे पापा एक महीने तक मेरे को देखने नहीं आए थे हॉस्पिटल में क्योंकि दूसरी भी लड़की बड़ी वाली तो है ही दूसरी भी लड़की लड़की ही हुई दूसरी भी जो बच्चा हुआ वो भी लड़की हुई एंड डबैंड माई मॉम टोल मी दैट इट ब्रोक माई हार्ट आई एम लाइक बिकॉज ऑफ इट्स नॉट दैट माई फादर डेंट लव मी क्योंकि दूसरा वाला जो बच्चा था वो भी लड़की हुई एंड द फैमिली प्रेशर की वजह से ही डेंट कम टू सी मी बट इट ब्रोक हिम ऑल्सो फ्रॉम इन साइड के यार दूसरी मुझे तो बेटियाँ पसंद है पर मैं अब मैं अपनी फैमिली को क्या कहूँगा यू नो ये लड़की को जो सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मिलेगा उसकी क्या गलती है तो वो सब सोच में मेरे पापा मुझे मिलने नहीं आए थे एंड उसके बाद मैंने ठान लिया मैंने पापा को बोला पापा मैं आपको वो सब कुछ दूं, दूंगी जो आप एक लड़के से एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुई आपको आपको लड़का नहीं हुआ मैं लड़का बन के दिखाऊंगी आपके लिए एंड आई डिड दैट आई हैड सो मच ऑफ डेडिकेशन इन मी दैट I said from a very young age, 16, 17 years से मैंने काम करना चालू कर दिया मुझे विजन था कि मैं जो भी करूँगी मुझे वो टिपिकल लड़कियों की तरह नो no ऑफेंस बट टिपिकल लड़कियों की तरह गुजराती फैमिली uh, में शादी करके दो बच्चे करके वो सब जिंदगी मुझे टिपिकल फैमिली और लाइफ नहीं चाहिए थी मुझे अपना कुछ करना था मुझे अप, अपने पैरों पर पे खड़ा होना था and with god's support with god's um, this thing i really um, managed to de do that you know i struggled in the start but uh, because i had so much of dedication in me i managed to get into this industry and do well for myself in fact uh... आई वुड प्रिज्यूम कि एक सिंपल ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली में एक लड़की उठ के बोल रही एंटरटेनमेंट बिजनेस में जा रही थी वो भी टफ हुआ होगा बहुत टफ मेरे स, मतलब अंकल आंटी तो मुझे ऐसे देखेंगे कि हाँ अच्छा ठीक है अब मतलब काम करना है तो कोई भी इंडस्ट्री में चली जाओगी क्या ये सब लुक्स hmm. मिलते थे मुझे अपने ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड से अंकल आंटी से एंड ऑल दैट तो वो प्रेशर में मेरे पापा में मेरे से बात करना बंद कर दिया जब मैंने पापा को बोला सत्रह सेवन आवर सेवेंटी आई सेट कि मुझे इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है लाइक कौन जाता है इस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में कुछ किसी का अच्छा नहीं होता है मैंने बहुत बला भला बुरा सुना है इस इंडस्ट्री का नॉल दैट मैंने बोला मुझे ट्राई करना है आई डू इट माई मदर वॉज दी ओनली वन हु सपोर्टेड मी शी थॉट के सत्रह साल में ये लड़की का विजन है कुछ तो होगा कुछ तो लेट मी ट्राई हम लोग तीन चार महीने ट्राई करेंगे नहीं हुआ तो हम लोग कुछ और कर लेंगे शीट राइट हमारे पास पैसे भी नहीं थे टू डू अ नॉर्मल पोर्टफोलियो शूट उस वक्त पोर्टफोलियो शूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब क्योंकि आप जब एड्स करने जाते हो पीछे वो नंबर लिखना पड़ता है आपकी हाइट लिखनी पड़ती है एंड यू हैव टू लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ अब मैंने बोला मेरे पास तो पोर्टफोलियो का पैसा ही नहीं है मैंने अपनी आंट से एक कज़न आंटी है मेरी आ, मतलब आ, मामी आई वुड से मामी है और उनसे मेरी मेरी मोम ने बोरो किए थे दस हज़ार उस वक्त दस हज़ार में पोर्टफोलियो बन जाते थे उस वक्त एंड oh. आई uh, remember कोलाबा में एक स्टूडियो था और मैंने वहाँ शूट किया डिफरेंट डिफरेंट लुक्स शूट की और वो सब एड एजेंसीज़ टेलीविजन शोज़ प्रोडक्शन में फ़िल्म में सब में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तब जाके मुझे बालाजी से फ़ोन आया था और मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे शो का ऑफ़र आया है मैं जा रही हूँ ऑडिशन देने के लिए मेरे पापा इज़ लाइक हाउ केन यू यू नो यू गोइंग अगेंस्ट मी एंड ऑल दैट मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस इंडस्ट्री में हाउस ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है पर मैंने बोला मुझे करना है कुछ ना कुछ करके मुझे इस इंडस्ट्री में आना है मॉम मेरे साथ रोज़ ट्रेन में आती थी उस वक्त तो पैसे नहीं होते थे गाड़ी वाड़ी के तो हम लोग ऐसे ही ग्रांड रोड से आई रिमेंबर वालेेश्वर में रहती थी ग्रांड रोड आते थे हम लोग टैक्सी में और फिर ग्रांड रोड से हम लोग गोरेगा आते थे क्योंकि स्टूडियो गोरेगा में था वो क्योंकि का बालाजी का शूट का वहाँ आई मुझे शो मिल गया मैंने ऑडिशन किया कैसे तैसे करके शो मिला एंड देन उसके बाद भी कुछ तीन चार महीने पापा ने मेरे से बात नहीं की थी जब मैं धीरे धीरे फेमस होने लगी एज इंदू कैरेक्टर ऑफ क्योंकि तब जाके पापा ने बोला कि अच्छा सब कुछ सेफ लग रहा है सब लोग ना बाहर से बोलने लगे थे आपकी बेटी तो क्योंकि मैं नंबर वन शो है ये वो ये वो बहुत अच्छा करी तब जाके पापा को ना वो जो इतने सालों से पापा को दबाव लग रहा था लड़की है उसके बाद वो ही लड़की ने वो जो प्राइड दिया उनको तो उनको भी अच्छा लगने लगा कि ओ माई गॉड माई डॉटर इज डूइंग समथिंग वेयर पीपल आर रिक्नाइजिंग मी बिकॉज ऑफ माई डॉटर एंड ही फेल सो गुड यू नो ही हिज हार्ट वॉज स्वेलिंग अप विद प्राइड एंड दैट्स वेन यू फेल के तू तो मेरा तब जाके मेरे पापा ने एक सेंटेंस बोला मेरा बेटा है तू एंड आई फेल सो गुड दैट डे एम लाइक फाइनली यू नो आई डि दैट नहीं पर uh, पापा के साथ रिश्ता कैसे था um, पापा के साथ रिश्ता जेनरली मिसअरस्टूड था आई वुड से नॉट द बेस्ट रिलेशनशिप आई हैड विद माई फादर बिकॉज वो सोचते अलग थे um, मेरा सोच मेरी सोच तब अलग थी um, वो कुछ बोलते थे और मुझे वो समझ में नहीं आता था एंड इट वाज़ ऑलवेज़ मिसअरस्टूड या सेड यू नो इट वाज़ ऑलवेज़ लाइक नहीं तुम ये नहीं करोगी और मैं पापा को बोलती थी नहीं पापा मुझे ये करना है समझाने समझाने में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते थे एंड ऑल दैट सो आई से ही डेन सी माई सक्सेस सक्सेस आई वुड से ही पास्ट अवे एट अ वेरी यंग एज ही वॉज फिफ्टी सिक्स ही पास्ट अवे एंड आई जस्ट फील दैट विश अब जिंदा होते तो यू you नो know, उस वक्त मैं भी थोड़ी सी मच्योर थी इस इंडस्ट्री में नई नई थी बहुत काम था तो वो टाइम नहीं था पापा के साथ शॉपिंग करना पापा के साथ ट्रैवल करना या पापा को समझना फॉर देट मैटर एंड ऑल्सो ही वॉज़ अ लिटल शॉर्ट टेम्पर्ड एंड उस वक्त uh, मैं बहुत बिजी हुआ करती थी तो मैं भी फट से थोड़ा सा यू you नो know, mm -hmm. um, um, थोड़ा सा फ्लिप हो जाती थी बट नवर माइंड आई मीन

I remember you. Uh, you were there, I remember? Yeah, yeah, of course. And then you lost him very early, now. Nah? Yeah, I, 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 remember I was shooting. Yeah, I was shooting with Karan tacker, I remember. And uh, sorry, <laughs> and I went on the set 7 a.m. in the morning, and uh, my mother calls me and says that um, you know Dad is not opening the bathroom door, and I'm like, you must have fought, yeah. I mean, don't call me right now because I'm busy shooting. So she didn't call me, then after two minutes again, she's calling me and she's saying that is not opening the bathroom door, bro, pick up. I mean, do something about it. That's when I realized something is wrong. And I was shooting in Warsaw, I remember in one of the restaurants and I have rushed driver side and I rushed and we had to literally break open the door and he was already gone by that time. So I think it was a heart attack. At was fifty six age, he met me in the morning, yaar, said he met me and he said, "Cheshi Krishna, have a good shoot and all that he offered me a cup of coffee, and that time also I had no time, you know, to talk to him because I was so busy shooting. So whoever's watching this, I mean please give enough ample amount of time to your mom, mom and dad, to your parents, because you know they are growing old, and um, they only wish the best for us, and please spend enough time with them, you know so yeah i mean that i mean i couldn't say bye to him that that kind of eats me up till now i still dream about him that it's a very unfinished story i had with him so yeah i mean wish i could speak to him say sorry to him you know talk a little bit spend time with him have more coffees with him he used to love coffee every time we eat any gujarati food mom and dad are mom and me and we always say that um that you know this is dad's favorite food this is dad's favorite khana till now till date we we miss him a lot so yeah wherever he is he's going to be very <laughs> very proud of you and most importantly I how you been with your mom. yeah if a girl is so amazing with her mother <laughs> she'll be so amazing with her father too thank you <laughs> <laughs> Thank, ah, you. thank you Dad well, that is but a very emotional topic for me <laughs> i know na yeah uh